बिहार में जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं नशे के सौदागरों ने कोरोना काल में भी अपनी तस्करी को बंद नहीं किया है। गांजे की तस्करी कर रहे तस्कर एक ट्रक में नमक के बोरे के नीचे 15 बोरे गांजा छुपाकर यूपी से बिहार ला रहे थे। इसी दौरान वो उसे बिहार के NH2 के किनारे दुर्गावती थाना क्षेत्र में पिकअप पर उतारने की फिराक में थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गावती पुलिस ने छापेमारी कर तस्करों की टीम पर धावा बोल दिया। वहीं मौके से तस्कर फरार हो गए और टाटा मैजिक के चालक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जब्त गांजे का बाजार मूल्य लगभग 50 लाख के ऊपर बताया जा रहा है। पुलिस NDPS एक्ट के तहत ट्रक और टाटा मैजिक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी क्रम में मोहनिया थाना क्षेत्र निवासी गिरफ्तार चालक जावेद ने बताया कि उसे नमक लादनी और दुर्गावती पहुंचाने के लिए बोला गया था। उसे नहीं पता था कि इसमें गांजा है। साथ ही मोहनिया DSP रघुनाथ सिंह ने अधिक जानकारी दी। गंजे के लिए पकड़ा, एक ट्रक में खाद के नीचे छिपा कर रखा हुआ था और एक मैजिक पिकअप, दोनों को मतलब जो अनलोड कर रहा था गंजा उसमें बरामद किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में मतलब जो और गंजे पर के लिए जो कौन कौन थे कारोबारी वो भागने में सफल रहे, लेकिन एक चालक जो है वह गिरफ्तारी हुआ। उसका नाम है जावेद आलम, वो रहने वाला दादर का है जो मोहनिया थाना अंतर्गत पड़ता है। ये टोटल 13 बोरा में 51 पैकेट में था 13 बोरा और ये वजन इसका 5 क्विंटल 9 किलो। कहाँ से कहाँ ले जाया, ये लेकर ही आ रहा था इधर अपना बिहार में लेकर आ रहा था इधर से। अभी उसके पूछताछ चल रही है ड्राइवर से कि अभी और कौन कौन इसमें शामिल था और कहाँ ले जाना था, कहाँ से ले आ रहा था। आदमी सिर्फ हाँ अभी तत्काल एक ड्राइवर ही चालक की गिरफ्तारी हुई है जो दादर का। बता दें कि कारोबारी पुलिस को देख भागने में सफल रहे हैं। गौरतलब है कि इस छापेमारी से जिले के गांजा तस्करों में हड़कंप मच गया है।